धनबाद जिले के बागमारा विधायक ढुलु महतो आवासीय गांव चिटाही में विधायक और मंदिर कमेटी द्वारा बनाई गई रामराज जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धरना में बैठे आधा दर्जन रैयत बागमारा विधायक ढुलु महतो के अत्याचार और शोषण पीड़ित चिटाही के ग्रामीणों के बैनर तले 27 फरवरी से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठे रैयतों का आरोप है कि बागमारा विधायक ढुलु महतो उनकी जमीन को जबरन हड़पना चाहते हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही VCCL प्रबंधन से कहकर विरोध करने वाले सभी लोगों के घर के पानी बिजली कनेक्शन को कटवा दिए हैं। विधायक के द्वारा परेशान करने का कारण धरना पर बैठे हैं। वहीं DC के निर्देश पर धरना असल बागमारा CO रविभूषण प्रसाद और धनबाद सदर CO शशिकांत सिंह कर वार्ता करने धरना समाप्त करने का आग्रह करने को पहुंचे, लेकिन रैयतों की मांग है कि जब तक उन्हें दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा और बिजली पानी मुहैया नहीं होती तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। जमीन का मामला है तो न्यायालय का जो आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा। धरना दे रहे रैयत सुदेश महतो ने कहा कि बागमारा विधायक उनकी जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। रामराज मंदिर के सामने 20 फीट का घेराबंदी कर दिए हैं। एकमात्र सहारा दुकान से चलता है, रोजगार को छीन लिया गया है। मंदिर धर्म के नाम पर लोगों का जमीन हड़पना उनका काम है। प्रशासन धरना समाप्त करने का आग्रह लेकर पहुंचे थे। बिजली पानी हो सकता है चालू हो जाए, लेकिन अगर मंदिर सामने दुकान लगाने जाए तो विधायक के लोग उन लोगों के साथ पहले की तरह मारपीट करने लगे। न्यायालय में जमीन विवाद को लेकर शिकायत किए हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा वह मान्य होगा। वहीं बागमारा CO ने बताया कि जमीन का मामला न्यायालय से लंबित है। बिजली पानी काटे जाने को लेकर BCCL के अधिकारियों से वार्ता की गई। जमीन विवाद कोर्ट में लंबित है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं मामले में विधायक ढुलु महतो ने कहा कि जमीन के लेकर आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, प्रशासन जांच कर ले। हमको आशा है कि बिजली पानी मिल जाएगा, मगर रोजगार का बहुत वहाँ सबसे बड़ा समस्या है रोजगार का, जो कि हम लोग को पूरा ये है कि ढुलु महतो हम लोग का जमीन यहाँ से जाने के बाद हम लोग को वहाँ रोजगार करने नहीं देगा, जबरन वो जमीन हम लोग का छीनने का कोशिश करेगा, उसका आदमी लोग हम लोग से मारपीट करेगा, तरह तरह से हम लोग को प्रताड़ित करेगा। हम लोग कोई छोला भटूरा बेचता है, कोई घुगनी इडली बेचता है, कोई प्रसादी बेचता है, कोई खिलौना बेचता है, इस तरह के यहाँ लोग घर के परिवार के लोग हम लोग इस तरह का रोजगार करते हैं, उसी से हम लोग भरण पोषण अपना बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सारा चीज करते हैं। ढुलु महतो के जरिए हम लोग को नहीं लगाने दिया जा रहा है। सामने क्या पर्दा लगा दिया क्या? हाँ, दुकान के आगे बांस बल्ली दे के कम से कम 20 फीट ऊंचा पर्दा लग गया है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो दुकान लग रहा था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग को लगने दे, हम लोग को रोजी रोटी चलने दे। फैसला जो आएगा उस न्यायालय का फैसला को हम लोग सम्मान करते हैं। वंचित तो हम लोग ऐसे 10-12 घर हैं, मगर 8 घर ऐसा है जो कि यहाँ हम लोग रणधीर वर्मा चौक में आके धरना, जब तक लोग 27 तारीख से धरना पर बैठे हुए। मेरा मंदिर में 13.5 डिसमिल जमीन गया है, मंदिर के बगल में विवाह मंडप बना उसमें 6 डिसमिल जमीन गया है, तालाब में 12 डिसमिल गया है, इस तरह से। और एक राम बागेश्वर बाबा आने वाले थे हम लोग के यहाँ चिटाही में, उस समय बागेश्वर बाबा के नाम पर हम लोग को बहुत सारा जमीन जो है वो 20 फीट माटी का भराव कर दिए हैं। चुनाव पहचान में नहीं आता है कौन जमीन मेरा है कौन जमीन किसका है, समझिए वो भी कब्जे के करने का दबाव। जी जी, धर्म आस्था और मतलब विकास के नाम पर वो कब्जा करते हैं, अपना ब्लैक मनी को वाइप करने के लिए मंदिर बनाए हैं, वो अपना जो है रोजगार बढ़ाने के लिए मंदिर बनाए हैं। जी, हमको तो लग रहा है लाइन पानी हो सकता है मिल जाए, मगर हम लोग को दुकान खोलने नहीं देगा ढुलु महतो। हम लोग खोलने जाएंगे हम लोग से मारपीट करेगा, हो सकता है उसमें हम लोग को जान भी चल जाए, क्या कि हम लोग के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जांच कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जांच यहाँ थोड़े करने आए हैं, यहाँ जांच नहीं कर रहे हैं, धरना समाप्ति की बात करने आए हैं। तो GM को है मैंने उपायुक्त महोदया के रेफरेंस में आए हैं, तो नापिए हो रहा है, जांच हो रहा है, सुनवाई हो रहा है। अच्छा, तो मैंने अभी तक कल डेट है। अभी तक जो आपने जांच किया उसमें क्या बातें सामने आई है? क्या बात सामने? अभी तो उसका नापी हुआ है, अमीन रिपोर्ट देगा था ना, अभी अमीन रिपोर्ट नहीं दिया है, तुरंत देगा। ठीक, अभी धरना पर तो अभी बात होगी कि धरना पर अभी इनको कहेंगे कि धरना से हटिए, अब धरना से कोई आपके बात को सुनी जाए। पानी बिजली लोगों के जोड़ दिया गया है? पानी बिजली तो हाँ GM से है ना, GM से बात करें कल जाके। एक चीज और बताइए, इंदिरा कहना है 1932 से इनका प्रगति जमीन है, खानी जमीन है, और विधायक ढुलु महतो द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इस पर कितना जांच हुआ है? इस पर अभी कोई हम जांच नहीं किए, इनका मामला है हाईकोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अच्छा, इसलिए जो मामला विचाराधीन है हाईकोर्ट में सिविल कोर्ट में उसमें हम क्या बोल सकते हैं।
ग्रामीण आपका आरोप लगा रहे हैं कि अरे लगाने तो ग्रामीण पानी बंद कर दिया। कौन ग्रामीण कौन है? देखिए आप तो सब ग्रामीण लेटर भी दिए हैं अशोक कुमार, सब हम कुछ नहीं जानते हैं, गलत है क्या? तो सब जानते हैं, सीओ यहाँ बोलो डीसी जांच करवा ले, डीसी जांच करवाए, सीओ जांच करवाए, प्रशासन जांच कर, प्रशासन के बीच में बैठ के हो रहा है यहाँ पे जो है, वहाँ तो मंदिर कमेटी लोग प्रशासन के सहयोग से भी जो सारा प्रशासन ही करवा रहे हैं, मतलब प्रशासन यहाँ जाँच करवा रहे हैं किसका जमीन है नहीं है क्या है, वो आरोप लगा रहे हैं। विधायक जी का कुछ नहीं, नहीं कुछ इस पर बात नहीं करेंगे। खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह के वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।